मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नीलम बिश, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ और वो ये है। तो इसे चखला कहते हैं और चखला को हिंदी में चिड़िया कहते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये किस काम आता है। तो जो ये चखले हैं, पुराने ज़माने में जब कील वगैरह नहीं होती थी तो ये कपड़े अपने टांगने के या थैला वगैरह, जैसे जो दूध की बाल्टियाँ होती है वो टांगने के काम आते थे। और जो ये है, ये इसे जलट बोलते हैं। ये सामान वामान रखने के काम, पुराने ज़माने में जैसे रैक वगैरह नहीं थी या अलमारी नहीं थी सामान रखने के लिए, तो ये उसी के काम आती थी। और ये जिनके नए घर बन गए होंगे तो वो शायद किसी के घर में जलट वलट होंगे। ये है, वो सानू बताएगा अभी कि किस काम आता है। चल सानू बता क्या ये काम। पहले लस्सी लस्सी चलती थी इसमें, और ये जो आप इसको मशीन नहीं बोलते उसमें चलते थे। अब पहले पुराने जमाने में से चलते हैं। हाँ अब डीपी तू बता, चल बताई। ये था छोड़ने का कहाँ आता था इसका हिलाने वाला टूट जाना। ये चल 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 तो बताओ। क्या क्या काम है बता। ये लस्सी छोड़ते थे इससे पहले आपको नए जमाने में मशीन बन गई। आपको सानू, डिप्पी और ध्रुव ने बताया कि ये किस काम आता है, और बाकी अभी चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कैसा घिचपिच हो रहा है। ये देखिए, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है नीचे, और वो जो चारपाई है वो मिट्टी के लिए रखी है। और ये देखिए, हम बिल्कुल कम जगह है तो ये और यहाँ जो ताई का घर है वहाँ हम खाना बना रहे हैं। और जो ये है, तो मैं इसको बताती हूँ कि ये जो मधुमक्खी होती है, यहाँ शायद मधुमक्खी का घर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ वो रहती थी लेकिन अभी ये पूरा खाली है। तो जब घर बन जाएगा तो यहाँ गुड़ गुड़ रखते हैं शायद, तो तब कहते हैं कि मधुमक्खियाँ आ जाती है। ये मैंने आपको चकलों के बारे में बताया था। और ये देखिए, शीतल और के घर में ये चकला है, और ये इनके जलट हैं। ये देखिए, अभी मुझे खेत में पानी डालना है तो ये मैं पाइप लेके आई हूँ, क्योंकि पाइप छोटा पड़ गया था तो अभी खेत में ही जा रही हूँ। वो धूप बहुत तेज़ हो रही है और मेरी तो आँखें भी नहीं खुल रही है, और अभी मैं नहा के आई थी तो मेरे बाल भी सूख गए हैं अब। और ये देखिए, ये लहसुन है और ये राई, इसके बीच में ये धनिया, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था संतरे का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है और एक ये है। ये बैंगन देखिए पीले हो गए हैं, तो अभी बीज के लिए हो जाएंगे। ये पानी भी बहुत कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा। पहले मैंने सोचा था कि मैं रात को पानी डालूंगी इसमें, लेकिन रात को भी ऐसे बहुत ठंडा लगता है, इसलिए अभी सोच रही हूँ कि अभी पूरा कर लूँ ये पानी वानी का काम। और ये देखिए शीतल का घर है, और ये मेरे दोस्त मीनू का घर है। और ये देखिए, चार स्कूल से आ गए हैं। क्या कार इकट्ठा अरे बुआ। और अभी ये भी, ये देखिए स्कूल से आ गए हैं। और ये कौन है? ये अन्नु है, ये सानू है, और ये मेरे पीछे कालू है, और ये चुन्नू है। अभी मैं छन्नी में आई थी, तो जब मैं छन्नी से घर जा रही थी तो भाभी ने मेरे से पूछा कि उनकी बकरियाँ दिख रही है नहीं दिख रही वहाँ से। तो मैंने बोला हाँ दिख रही है, आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो उन्होंने बोला कि उनकी गाय का बच्चा और खाया। तो ये देखिए,
तो अभी मैंने इसे ऐसे लेटा रखा है। दोस्तों मैं छन्नी से आ गई हूँ और भाभी को लेट हो गया था आने में छन्नी में, तो इसलिए मैं वहीं पे रुकी थी और तब मेरे को भी लेट हो गया। और आज 31st है तो लग नहीं रहा, क्योंकि हर साल हम 31st अच्छे से सेलिब्रेट करते थे और अब की बार कोई आया नहीं, मैं और सीतल ही हैं। तो अब की बार हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे ऐसे साथ में मिलके। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।